हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो आज दिन थर्सडे का यानी गुरुवार का, और अभी सुबह के बज रहे 6:30। मैं उठ चुकी हूँ सो के, और मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे अपनी चाय लेके। तो यहाँ मैंने कुछ देखा, मतलब मेरे टेरेस से काफ़ी से नज़ारा दिखता है। तो यहाँ देखो मोर है, वो अपनी आवाज़ निकाल रही हूँ, और यहाँ पीछे है बंदर तो लटके हुए। मैं भी आप लोग को बंदर भी दिखाती हूँ, मोर भी दिखाती हूँ। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा होता है मेरे टेरेस का, और पीछे की साइड यहाँ बादल बादल से दिख रहे हैं, हल्के हल्के हरे हरे खेत दिखते हैं। क्योंकि हमारे घर के आसपास कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारा खाली पड़ा है, और सामने सड़क है यानी हाईवे है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए बंदर भाई साहब ऐसे लटके हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये है बंदर जो कैसे लटका हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये है बंदर। अभी बहुत सारे थे, सारे चार चुके हैं, अभी दो बैठे हुए। देखो एक वहाँ बैठा है झंडे के पास में, और एक इधर की साइड बैठा है कॉर्नर में। तो दोनों के दोनों बड़े आराम से बैठे हैं, और एक दो भी और हैं उधर की साइड जो दिख नहीं रहे हैं। और इधर है मोर, तो मैं आप लोग को मोर भी दिखाती हूँ। ये बैठी हुई है मोर आराम से, चारों तरफ कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा हो रहा है। ये है मोर, और आसपास है हरियाली, बहुत सुंदर। मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम किया था, अब दिख रहा है क्योंकि ये गांव का एरिया है, गांव की साइड दिख रहा है सब चीज़ें। हमारे साइड कुछ नहीं दिखता है क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा एकांत में है। और वो बैठे बंदर अब दोनों पास जाके बैठ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, शायद अपने सुख दुख की बातें कर रहे हैं। तो बस अब मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ, और फिनिश करने के बाद मैं जाती हूँ नीचे, और फिर मैं अपने काम वाम करूँगी क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को उन गेस्ट से मिलाऊँ, और नहीं मिला पाऊँ तो कोई बात नहीं, बता दूँगी मैं आप लोग को। तो मैं चलती हूँ नीचे चाय पी के, फिर मिलूँगी आप लोग को थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ मैंने चाय पी ली है, और चाय पी के मैं जा रही हूँ सीधे नीचे, क्योंकि अब मैं लगूँगी सीधे अपने काम में। काम फिनिश करने के बाद मुझे आज करनी खाने की तैयारी, और बस नीचे जाके थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, और रेस्ट करने के बाद अपना काम वाम करके फ्री हो गई थी। फ्री होने के बाद यहाँ मैं आ चुकी हूँ सीधे किचन में। तो किचन में आने के बाद मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल रोटी, और काफ़ी दिन से मेरा भी कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, बेसन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, छान लूँगी छलनी से, और इसमें डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ डाल दूँगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है दही जो कि हमारे घर का बना हुआ दही है। हम लोग हमेशा कढ़ी जो है घर के बने हुए दही से ही बनाते हैं, बाहर का हमें पसंद नहीं आता, खासकर मेरे मदर इन लॉ को, मेरे को भी बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो यहाँ मैंने दही ले लिया है, और दही में थोड़ा सा करूँगी पानी मिक्स, क्योंकि जो दही था वो बहुत ही ज़्यादा थिक था, और घर का बना हुआ दही काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो इसको मैंने रई की मदद से अच्छे से इसको चला लूँगी। चलाने का इसको मैश करने के बाद इससे क्या होगा, हम इसको बेसन में घोल बनाएंगे तो लम्स नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए अच्छे से इसको चलाना पड़ेगा मुझे। और इसको मैंने अच्छे से चला लिया है, उसके बाद जो बेसन मैंने छान के रखा हुआ था छलनी की मदद से, तो बस उसको मैं ले लूँगी और उसको मिक्स कर दूँगी मैं इस दही के साथ में। और ये देखिए थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, क्योंकि पानी की भी नीड रहेगी, पानी की तो नीड रहेगी क्योंकि इसका घोल इतना थिक नहीं रखा जाता है। तो यहाँ मैंने बेसन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और यहाँ अब मैं दही जो मैंने बना दिया इसका पतला घोल, उसकी मदद से मैं यहाँ पे अच्छा सा कढ़ी के लिए घोल बना दूँगी। काफ़ी सारे लोग होते हैं चमचे की मदद से, चम्मच की मदद से घोल बनाते हैं, लेकिन मैं हाथ से बनाती हूँ, और मैंने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं। मैं हमेशा हाथ को दो दो तीन तीन बार वॉश कर करके खाना बनाती हूँ, बीच में कोई ना कोई सामान हाथ में लग ही जाता है, इसलिए बार बार वॉश करना पड़ता है मुझे हाथ को। और यहाँ घोल बनाते जाऊँगी, तो यहाँ सारा दही मिक्स कर दिया है, और साथ में मिक्स कर दिया थोड़ा सब पानी तो इसमें और भी मिक्स करूंगी। और यहाँ मैंने रख दिया है भवानी, मैंने पतीला रख दिया है, भवानी बोलो पतीला बोलो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें डाल दिया मैंने जीरा, मेथी दाना, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा राई,
और उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे बना हुआ बेसन का सारा घोल, और इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करूँगी। और पानी हम अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं कि आपको कढ़ी कैसी पसंद है, ज़्यादा ग्रेवी थिक पसंद है या थोड़ा सा पानी वाली पसंद है। तो हमारे थोड़ा सा पतली खाते हैं, ज़्यादा पतली नहीं ज़्यादा थिक नहीं, नॉर्मल खाते हो। यहाँ मैं कर रही हूँ पकौड़ी की तैयारी, तो यहाँ बेसन मैंने छान लिया है, बेसन में मिक्स कर दिया मैं रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैं अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी पकौड़ी के लिए, अच्छा सा घोल बनाऊँगी मैं पकौड़ी के लिए। और इसको अच्छे से चलाना पड़ेगा जिससे इसके में लम्स ना पड़ जाए, वरना पकौड़ी में टेस्ट नहीं आता है। और यहाँ मेरा जो पैन है वो हो चुका है गर्म, तो यहाँ मैं पकौड़ी डालती जाऊँगी। और मैं इसको स्पून की मदद से इसलिए सेक रही हूँ, इसलिए फ्राई कर रही हूँ पकौड़ियों को, क्योंकि मेरे को हाथ से डर लगता है, मतलब मेरे को हाथ से पकौड़ी वगैरह नहीं बनाई जाती हैं। तो यहाँ मैं स्पून की मदद से पकौड़ी वगैरह फ्राई करूँगी। Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the brain, but this time I won't collide like I did yesterday. Yesterday, you broke my heart once again. I won't buy the ghost in return. I can't give it. यहाँ मेरी पकौड़ी बनके हो चुकी हैं रेडी। और ये देखिए मेरी कढ़ी में थोड़ा सा बॉयल सा आने लगा है, तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी एक बॉयल, मतलब एक कटोरी प्लेट टाइप में डाल दूँगी, जिससे क्या है इसमें जो बॉयल आता है वो अच्छे तरीके से आएगा और अच्छे से इसमें बॉयल हो जाएगी कढ़ी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से। और इसमें डाल दूँगी फिर मैं बॉयल ज़्यादा अच्छे से आ चुका है, तो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा अच्छा डालूँगी क्योंकि कढ़ी थोड़ा सा चटपटी हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और डाल दूंगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और डाल दिया है, बस मेरे कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और इसके बाद मेरा जो दही था वो खट्टा नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो मैंने इसमें ले लिया थोड़ा सा अमचूर, और अमचूर का थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बनाऊंगी मैं, और इसको अच्छे से चलाऊंगी जिससे इसमें लम्स पड़े। तो मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर मिक्स करके पानी के और अकॉर्डिंग, और यहाँ मैंने इसमें से जो बाउल कटोरी डाली थी वो निकाल दिया मैंने प्लेट, और यहाँ मैंने डाल दी पकौड़ी। पकौड़ी हमें कब डालना है, जब हमें लगे कि हमारी जो कढ़ी है वो 10 मिनट पहले पकने वाली, तो 10 मिनट पहले डालनी है। और यहाँ मैंने मेथी दाने की मिर्ची फ्राई की थी, और इसी मैंने पकौड़ी फ्राई की थी, इसी मैंने मिर्ची फ्राई की थी, तो इसी मैं लगा दूँगी कढ़ी में तड़का, क्योंकि मेरी कढ़ी हो चुकी है बनकर रेडी। तो तड़के में मैं डालूंगी ऑयल में डाल दिया मैंने हींग, जीरा, मेथी दाना, राई और साबुत रेड मिर्ची और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, से अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा कलर भी आएगा, अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ तड़का हो चुका है रेडी, और मैंने कढ़ी में डाल दिया है, और मैं कढ़ी को अच्छे से मैंने ढक के रख दी है। तो ये देखिए कढ़ी मैंने निकाल दी है, और ये बन चुकी है मेरी कढ़ी। इसमें गार्निश कर दूंगी मैं हरा धनिया, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हो रहा था यहाँ पे शाम का टाइम, और शाम के टाइम फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा अपने बालों में थोड़ा सा की थी ऑयलिंग। और काफ़ी लोग जो होते हैं कढ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कढ़ी में प्याज लहसुन का तड़का लगा के, प्याज वगैरह डाल के, ये सब कुछ डाल के बनाते हैं, तो मैं भी वैसे बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये इस तरीके से बनाई है। इस तरीके से कि अगर आप लोग कढ़ी बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी नहीं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार बना के ट्राई ज़रूर करना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि तड़के वाली जो कढ़ी होती है, जो प्याज लहसुन वाली, वो कैसे बनती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे बनाई जाती है। और मैं ज़्यादातर है ना प्याज लहसुन की कढ़ी जब बनाती हूँ, जब जैसे कि मैंने मॉर्निंग में ये कढ़ी बनाई है, अगर ये थोड़ी सी बच जाए तो टेस्ट चेंज करने के लिए मैं इवनिंग के टाइम पे प्याज और लहसुन का तड़का लगाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है प्याज और लहसुन का तड़का लगा के, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में लगती है। ढाबा स्टाइल तो ये भी है, ढाबे में हम अपने अकॉर्डिंग कढ़ी मंगाते हैं, एक तो मसाले वाली और एक विदाउट मसाले वाली। फिर यहाँ शाम के टाइम मैंने ऑयलिंग करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने की थी हाथ मुँह धो के, पूजा वगैरह दियाबाती करने के बाद बाकी सारा काम किया, इससे आगे मैंने फिर कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आई हो, कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो, या आप कोई रेसिपी जानना चाहते हो कढ़ी की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।